दुनिया में जहां जहां मेरी आवाज सुनी जा रही है उन सबको आदाब के साथ मेरा सलाम। बहुत सारी खुशियों और ढेर सारी दुआओं के साथ एक पैगाम। जी हाँ, वही बात फिर एक बार। एक तरफ चीनी यानी शक्कर का ढेर लगा हुआ था, बड़ा सा पहाड़ बना हुआ था, और उसके दूसरी तरफ डायमंड्स का चमकता हुआ बड़ा सा पहाड़ था। अब चींटियां आती हैं और शक्कर उठाकर ले जाती हैं, क्योंकि उनको शक्कर पसंद है। क्या इससे डायमंड की कीमत या वैल्यू कम हो जाती है? क्या डायमंड को ये सोचना चाहिए कि मैं किसी लायक नहीं हूं? उनको शक्कर बनने की कोशिश करनी चाहिए क्या? नहीं ना। सेम थिंग आपके साथ भी है। आपको लगता होगा आपके घर में, ऑफिस में, खानदान में, फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको वो कदर, वो वैल्यू नहीं देते जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, बल्कि आपकी जगह किसी और को चुन लेते हैं या किसी और को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो इससे आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती? चींटियां हैं भाई, चींटियों को डायमंड्स की कीमत नहीं पता। उनको क्या पता डायमंड्स की क्या कीमत होती है? इनकी वजह से आप कभी मायूस नहीं होना और अपने आप को किसी से कभी कम मत समझना। फरीदा जलाल हमेशा आपके साथ।